नमस्कार दोस्तों, ये है मिनी टूल्स पार्टीशन विजार्ड। इसको यस करेंगे डबल क्लिक करने के बाद, और ये आपके सामने जितनी भी हार्ड डिस्क हैं, जितनी पार्टीशंस हैं, वो सब शो कर देगा। अपना मोटिव है अपन को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ को क्लोन करने का, जो कि ये देखिए आपके सामने है। और ये लेफ़्ट साइड में ऊपर ऑप्शन आएगा माइग्रेट ओएस टू एसएसडी विजार्ड, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में सेकंड नंबर का अपन ऑप्शन चूज़ करेंगे, जिससे कि अपने पहले वाले जो हार्ड डिस्क हैं उस पर भी डाटा सेव रहे हैं, इन केस अगर किसी तरह से कुछ दिक्कत होती है तो वहाँ पे मिल जाएगा। और सेलेक्ट करेंगे अपनी एसएसडी को, ओके नेक्स्ट। उसके बाद अपने सी ड्राइव जो पहले वाले हार्ड डिस्क थी उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये कमांड के लिए बोलेगा ओके और देन फिनिश। अब लेफ्ट साइड में राइट साइड के अंदर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ अप्लाई का ऑप्शन आएगा, इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे यस। अब आपका जो पहले वाले हार्ड डिस्क हैं और एसएसडी में आपका विंडो क्लोन होने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इस प्रोसेस को लगभग पूरा होने में आधे से पौन घंटा लगता है, डिपेंड करता है कि आपका डाटा कितना है और कितना नहीं है। सी ड्राइव जितनी ज़्यादा भरी हुई होगी उस हिसाब से इसका टाइम लेगा ये कॉपी होने में। इस वीडियो का मकसद बनाने का ये था कि जिससे कि अपन क्योंकि आजकल एसएसडी ही लगी जा रही विंडो 10 विंडो 11 में, तो अपना कोई भी पर्सनल डाटा या अपने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जिसकी की अपने पास नहीं है, जो एज इट इज़ मतलब उसमें कॉपी हो जाए, इसके लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। इससे कि अपना टाइम भी बचता है, वरना नया विंडो डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, फिर से दोबारा पूरे सॉफ्टवेयर वगैरह उसमें डालना करना, वो सब चीज़ों के से छुटकारा पाने के लिए एक कमांड को अपन इसको फॉलो करेंगे और आधे घंटे या पौन घंटे के अंदर आपका सारा डाटा कॉपी हो जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये कमांड पूरा होने के बाद में आपके ये बूट का ऑप्शन मांगेगा, बोलेगा कि आपको एसएसडी से बूट करना है, तो आपको बायोस सेटिंग में जा करके इसको एसएसडी से बूट करवाना है। ये प्रोसेसिंग चल रही है इसकी, ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है इसकी। और स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें जो बोलते हैं कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अगर आप चाहो तो कर सकते हो बिना किसी टाइम गवाए। आपके सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए ये वीडियो में डालता हूँ। ये प्रोसेस इसका स्टार्ट हो चुका है, ये मैंने बीच में वीडियो काट करके इसमें आगे प्रोसेस किया है मैंने, जिससे कि आपको कुछ एक मिनटों में इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, बोल सकते हैं। कुछ और भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। 1440 आ रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।